ट्राई करने जा रही हूँ। कितनी प्यारी लग रही है। मेरी कोकोनट की बर्फी एकदम रेडी। सो ये है हमारा ऑयल और इसमें हम ऑयल के हाथ से। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जोरों शोरों पे है जन्माष्टमी की तैयारी, तो मैं यहाँ पे थ्रेडिंग कराने आई थी, तो सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ मैं और थोड़ी यहाँ पे शॉपिंग कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, और आगे मैं स्टार बाज़ार में लेके चलूँगी आपको, तो आपको पता चलेगा मैं क्या क्या लेने वाली हूँ। और यस, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें बहुत सारे ढेर सारी चीज़ें मैं आपको बना बना के दिखाऊँगी। हालाँकि रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बट आपको देखने मिलेगा मैं डिनर में, लंच में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब क्या क्या जन्माष्टमी पे क्या क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग, तो लास्ट तक देखिएगा इसको प्लीज़। मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया, तो आई एम श्योर कि आपको भी देखने में उतना ही मज़ा आएगा। और अगर मज़ा आया, पसंद आया, तो उसको लाइक भी कर दीजिए, मेरे ब्लॉग का शेयर भी कर दीजिए, और यस कमेंट डाउन करना मत भूलना, यस सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक। तो मेरी शॉपिंग तो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है और हम चलते हैं घर की ओर, क्योंकि जाके घर पे डिनर भी बनाना है और डिनर वगैरह सब आपको देखने। ये है हमारे चौलाई के लड्डू, या फिर आप बोल सकते हैं राजगीरा के लड्डू, जो कि हम महाराष्ट्र में इसको राजगीरा बोलते हैं, और ये मैंने बनाए हैं जैगरीज में। तो जैगरी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है पेट के लिए, है ना, मतलब स्टमक के लिए। और मैंने इसमें डाले हैं, यू नो आपको शायद दिख रहे होंगे, थोड़े से कैश्यू नट्स डाले, काजू, और ग्रेट करके मैंने इसमें कोकोनट डाला है, मतलब जो डेसिकेटेड नहीं, जो थोड़ा सा मतलब वो कर देता है ना, ग्रेट कर लेता है, ग्रेट करके डाला है कोकोनट। आप चाहे तो उसको टुकड़े कर करके, पीसेस कर करके ऐसे डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही यम्मी लगते हैं, बहुत मतलब बहुत झटपट बन जाते हैं और टेस्टी। देखिए ये है कोकोनट जो कि मैंने ग्रेट करके डाला है। तो ये मैंने जन्माष्टमी के लिए बनाया है, बट अभी मुझे ढेर सारी स्वीट्स बनानी हैं, तो आज है संडे, तो मैं सामान लेके आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको बना देते हैं। इसका मैं भोग नहीं लगाऊंगी कृष्ण जी को, इसको मतलब ऐसे बना लिया हमने कि कल हम पूरे दिन ऐसे ना व्रत तो नहीं रहेगा, बट ऐसे खाते रहेंगे तो लगता है कि हाँ चलो फेस्टिवल है, और घर में जब तक तो कुछ बनता नहीं है तो लगता भी नहीं है कि फेस्टिवल है। मेरा ऐसा है। में बनी है ये स्पाइसी चटपटी एग भुर्जी, जो कि फुल ऑफ प्रोटीन है, और ये देखिए बहुत ज़्यादा यम्मी बनी है ये, मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो एकदम ये ना चिकन का टेस्ट देती है, जैसे चिकन, मतलब अगर आपका चिकन खाने का मन है और चिकन अवेलेबल नहीं है अभी घर पे, एकदम से नहीं लेके आ सकते, तो आप अगर आपके घर में अंडे पड़े हैं तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। आप इसको रोटी के साथ, परांठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर ब्रेड में डाल के खा सकते हैं, वो ब्रेड एग सैंडविच, एग भुर्जी सैंडविच बन जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। ये है दाल, जो कि ये उड़द की दाल है, जिसमें मैं मसूर की दाल और थोड़ा सा यू नो मूंग की दाल मिक्स कर देती हूँ। ये मेरे क्यूकम्बर है सैलेड, और ये मैंने थोड़ा सा रखा है, ये देख सकते हैं अजवाइन। तो ये मैं बेसिकली मतलब लेती रहती हूँ दो तीन दिन छोड़ के, कायना को भी देती हूँ, कायना को ऐसे बाइट में बना के पता नहीं चलता है इस तरह से, तो ये बहुत अच्छी होती है पेट के लिए। ओके, तो आप भी इसको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें अजवाइन को। तो एग भुर्जी में भी जो मैं तड़का लगाती हूँ प्याज, जैसे हम जीरा डालते हैं किसी भी सब्जी में, तो मैं इसमें जीरा नहीं डालती हूँ एग भुर्जी में, इसमें डालती हूँ थोड़ी सी अजवाइन, जिससे कि वो पेट के लिए भी अच्छी रहती है और डाइजेस्ट करने में भी ईजी रहती है। सो ये है हमारा आज का डिनर। आप मी टू ऑल ऑफ यू, और आज हमारे होने वाला है नाश्ता। ये देखिए जो मैंने रात बनाए थे ना चौलाई के लड्डू, जिसमें की आए और थोड़े से मुनक्के, जिसके सीड्स मैंने निकाल दिए। रेडी होके पूजा करके अब कर रहे हैं नाश्ता, थोड़ा लेट हो गया, 11 बज गए हैं। ओके, तो और एक दो स्वीट्स और बनानी है मुझे, एक दो क्या दो तीन बनानी है, तो देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग हो पाता है कि नहीं। अभी मैं लग जाऊंगी, बस स्वीट्स बनाऊंगी, फिर लंच भी बनाऊंगी, लंच वगैरह नहीं बनाया, तो नाश्ता भी बस मैंने सोचा था कि क्या बनाऊं, तो ओट्स बनाए थे खाने के लिए, जो कि इसने खा लिए हैं। और यस, ये देखिए इसने फ्रॉक डाली थी, बट अभी अनकंफर्टेबल फील होता है, बड़ी है इसकी फ्रॉक, और इसने फिर चेंज कर लिया है अभी। तो सब लोग अभी रेडी है, नहा धो के पूजा करके सब नाश्ता करने लग रहे हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं ये। बहुत यम्मी है, बहुत, मतलब अगर कोई भी मिठाई आप बना रहे हैं ना, उसके अंदर आप गुड़ डाल दीजिए जैगरी, तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, जब दोगुना हो जाता है। ओके, अभी बज रहे हैं 2, मतलब दिन के 2, 2 PM हो रहे हैं, और अभी तक आप देख सकते हैं मैंने कॉम नहीं किया है, हेयर वॉश कर लिया था मैंने सुबह ही। सो मतलब डेली मेरे हेयर वॉश हो रहा है, पता नहीं क्यों। हम बाहर गए थे आपको पता ही, जैसे कि हम जा नहीं पाए थे, एंड
यस, कल भी मैंने हेयर वॉश कर लिया था। मॉर्निंग में मुझे लगा था कि संडे को जन्माष्टमी है, बट घर पे मैंने फोन किया तो बोले कि मंडे को मना रहे हैं यहाँ पर, एंड यस महाराष्ट्र में भी मंडे को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सिटीज का मुझे नहीं मालूम है, बट डिस्ट्रिक्ट पुणे में तो आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर ऐसे बोल सकते कि हमारे एरिया में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, बट आज मेरा फास्ट नहीं है, मैंने फास्टिंग नहीं की है शादी से पहले, मतलब बिफोर मैरिज मैं करती थी बट अभी नहीं की है। ओके ओके, तबीयत थोड़ी ऐसे हो रही है मेरी ना, मतलब अप एंड डाउन। ओके सो अभी हम अपने लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह से हम मतलब जन्माष्टमी में कुछ स्पेशल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चारों मैं खाऊंगी या साढ़े तीन, ये हाफ जो सैंडविच है कायना के लिए है, बट कायना सो रही है अभी, सो इसमें से मैं एक लूंगी और दो है चित्रेश की। ठीक है, मैं ट्राई करने जा रही हूँ। ये देखें, इसकी जो फीलिंग है ना बहुत सही है, मतलब इन सैंडविचेस के साथ में ना टोमेटो केचप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने अंदर डाल दिया सारी मेयोनीज, मैंने मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया, बहुत यम्मी लग रही है। एक हेल्दी मील हो जाती है ये ना अपने आप में ही। अगर आप भी बोर हो जाते हैं ना पनीर खा खा के, पनीर जो सैंडविच या फिर जो भी है, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है ये। मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छे से एंजॉय करके खाती हूँ। और क्या क्या बन रहा है? अरे तुम आ गए? एक्चुअली मैंने ही कहा था इन्हें, आप लोगों को तो पता ही है, सो बोलना पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ शो, यहाँ बना रही हूँ मैंने, जैसे कि अभी आपको बताया कि पनीर भुर्जी कायना को मैं दे दूंगी, ब्रेड नहीं दूंगी, जैसे कि उसका मतलब थोड़ा सा पेट ठीक रहे। सो मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी रख दिया है, मतलब होता है एक माँ को टेंशन रहती है, तो मैंने सोचा उसको भुर्जी भी नहीं दूंगी मैं, उसका मन होगा तो खा लेगी चम्मच, बट उसको मूंग दाल की खिचड़ी मैंने रख दी है। और इसमें मैं बनाऊंगी अभी नारियल की बर्फी। ठीक है, सो मैं दिखा दूंगी आपको कैसी बनी है। और यहाँ पे मैंने बनाया है ये देखिए, कम 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 दिखाओ, वाह, ये मैंने रात बनाए थे, ये देखो दिखाओ मैंने कितने सारे लड्डू बनाए हैं, इसमें से तीन खा लिए हम लोगों ने ना, और इधर देखिए इसमें से डब्बे में से मैंने तीन खा लिए हैं। ठीक है, और ये छोटू सा ये किसके लिए है? ये है हमारे किसके लिए है, आई डोंट नो किसके लिए है, कोई भी खा सकता है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना ये छोटू सा, बहुत अच्छा है, मुझे इस साइज के लड्डू बहुत पसंद है। सो क्योंकि एक बार ही मुँह में डालो और फिनिश, तो मैंने इसमें रख दिए थे, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, होट पोट में रखे हैं मैंने, पता नहीं क्यों रखे हैं। मैंने ये होम डिलीवर करवाया अभी, अमूल का घी इसमें बनाऊंगी, ये मुझे ठीक लग रहा है आजकल ना, पहले पतंजलि का यूज करती थी बट पता नहीं कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसमें से बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आती है, मतलब ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल कुछ फ्रेग्रेंस का डाला है उसमें। और ये तो आपको पता ही है, कल हम गए थे शॉपिंग करने और वहां से लाए थे, तो पहले मुझे बहुत मेहनत लगती थी, मेरा हाथ घुस जाता था कोकोनट को घुसते 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 है ना, और कभी कभी मैं चित्रेश की भी हेल्प लेती थी, तो चित्रेश तो एकदम पसर के ना यूं घिसता था ऐसे ऐसा करके ना। सो तो चित्रेश लेके आए थे एक डेसिकेटेड कोकोनट का पैकेट, बट मैं उसको एक्सचेंज करा के ये लेके आई, जिसमें से मैंने ये यूज कर लिया जो कि कल चौलाई के लड्डू में डाला था, जिसे बोलते हैं यहाँ पे राजगिरा के लड्डू। सो अभी हम बनाने के बाद मिलते हैं। तो ये मेरी कोकोनट की बर्फी एकदम रेडी है, देख सकते हैं काफी थाली भर के पूरी भर बन गई है, तो ये 4 से 5 दिन तो चलेगी आराम से। मम्मी ने भी बनाया बहुत कुछ वहाँ पर घर पे, सो मेरे जो मायका है वहाँ पे, तो ये वाली जो थाली है ना, ये ऐसा समझो जैसे आज बनाई ना शाम के टाइम, तो कल सुबह तक ही चलेगी, ज्यादा से ज्यादा लंच पकड़ेगा लंच टाइम, तो ऐसे है मतलब वहाँ पे 1 से 2 टाइम में खत्म हो जाती है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोगों को बहुत शौक है खाने का, बट ये 4 से 5 दिन यहाँ पे हमारी आराम से चलेगी, क्योंकि मैंने चौलाई के लड्डू भी बनाए। और पीछे से ना बहुत आवाज आ रहा है क्योंकि मेरी कुकर में सीटी लग रही है बहुत ज्यादा, मैं छोले बना रही हूँ, छोले पूरी नारियल की बर्फी बनाई है, चौलाई के लड्डू बनाए, तो काफी कुछ बना लिया है, एक बर्फी और बनानी थी मुझे, लेकिन अभी मतलब मेरी जो हालत है ना थोड़ी अप एंड डाउन चल रही है, तो
तो मैं ये बता रही थी आपको कि आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है थोड़ा भी रेस्ट करने का, 5 मिनट भी। हालांकि मैं बैठी थी बट बैठ के भी एडिटिंग कर रही थी, थंबनेल बना रही थी, तो आज मैंने अपलोड कर दिया अपने बर्थडे का व्लॉग, जो कि लास्ट मंडे मेरा बर्थडे था। आज मंडे है ना, आज 30 तारीख है शायद, हाँ 30 तारीख या 30 अगस्त, तो आज जन्माष्टमी है, तो मेरा बर्थडे था 23 अगस्त का, मतलब मंडे का। तो जो मंडे का सेलिब्रेशन था पार्ट वन में मैंने करके डाल दिया है, सेकंड बर्थडे में हम कहाँ पे गए, कैसे गए और क्या हुआ हमारे साथ में, वो सब आपको पार्ट टू में देखने को मिलेगा। तो वो व्लॉग भी मैंने बना के रेडी रखा है, बट उसको एडिटिंग वगैरह करने को अभी टाइम है, मतलब लगेगा, देखती हूँ मैं आज रात को बैठ के करती हूँ मुझे टाइम मिला तो। बट अभी तो मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैंने दो दो मतलब मिठाई बनाई अभी। हम देख लेते हैं अपने छोले रेडी हुए हैं कि नहीं। बहुत थक गई हूँ मैं। और आज का मेरा आउटफिट आपको कैसा लगा बताइएगा। ये मैंने अपना मीशो कुर्ती हॉल में दिखाया था, ये वाला सूट, तो आप उसे जाके देख सकते हैं, वो मतलब अच्छा रेडी है पूजा के लिए। और अभी हमारा होता है पूजा टाइम, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के घर में किस तरह से पूजा होती है आई डोंट नो, तो हमारे घर में इस तरह से पूजा होती है। और अभी हम कर रहे हैं पूजा, तो मतलब हो गई हमारी, बट कितनी प्यारी लग गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज है नवमी, मतलब आज ट्यूसडे है। जिन लोगों ने संडे को जन्माष्टमी किया तो उनके लिए मंडे को नवमी होगी, अगले दिन नवमी होती है, क्योंकि जन्माष्टमी मतलब अष्टमी। सो नवमी वाले दिन मॉर्निंग में हमारे पूजा होते हैं, 3 टाइम पूजा होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ पूरियाँ, और ये कुछ काउंटिंग में बनती है, पता नहीं सबके यहाँ अलग अलग होता है, किसी के यहाँ पे 9 बनती है, किसी के यहाँ पे 18 बनती है, आई डोंट नो। तो इस तरह से है, तो मैं अभी सुबह सुबह नहा के, मौसम यहाँ पे अभी ठंडा हो रहा बहुत। ये देखिए कायन अभी अभी रेडी हो गई है, बहुत बोलने लगी है, और अभी हम सब रेडी हो गए हैं, क्लीनिंग भी हो गई है, बस अभी मैं बना रही पूरी, फिर हम पूज लेंगे। कायना के ओट्स इधर रेडी है बन के, तो और कायना की क्लास भी है, जन्माष्टमी की कल छुट्टी थी, तो अभी बहुत जल्दी है सब कुछ करने की। ये मैंने गुड़ डाल दिया है, बाद में इसमें मिक्स हो जाएगा हमारा हॉट ऑयल, और इसमें हम हल्के हाथों से, ये देखिए मुझे भी बहुत डर लगता है अभी, तो मुझे थोड़ा सी मतलब थोड़ी सी हैबिट हो गई है, और पहले तो मैं भाग जाती थी डालने के बाद, क्योंकि वो होता है ना गरम तेल है तो फिर वो डर लगता है। तो पूरियाँ मैंने पहले बेल के रख ली है, मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, फिर वो साथ के साथ ऐसे, देखिए अभी तेज गरम है ऑयल, तो ये हो गई है। हमने पूजा वगैरह सब कर ली है, और अभी 12 बज रहे हैं, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी सी अपडेट्स मैं आपको दे रही हूँ। मतलब व्लॉग बनाने का क्या फ़ायदा है जब आप लोगों को पता ही ना चले कि हम कर क्या रहे हैं। और ये है बर्फी जो कि मैंने कल बनाई थी दिन में, तो बहुत ज़्यादा यम्मी बन रही है, इसमें जो यू नो कोकोनट का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा मतलब सही लग रहा है। अच्छी तो यहाँ पे कायना क्रिकेट खेलने की जिद कर रही है, उसको खेलने का बहुत मन है, क्योंकि 2-3 दिन उसकी छुट्टी थी और आज उसकी क्लास थी, तो थोड़ी पढ़ाई कर ले तो थोड़ा मतलब लगता है बच्चे को चलो पढ़ाई करके खेल लिया जाए। फेस्टिवल का जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब थकान सी होती है, ऐसा होता है ना, मुझे भी ऐसे हो रहा है।